वेलकम बैक नाजरीन जी। अरशद भट्ट साहब, देखिए अयूबी साहब, मैं इतना कहूंगा कि अगर ये टैक्स पॉलिसीज इतनी फ्रेंडली होती ठीक है तो ये दूसरी स्ट्राइक की नौबत ना आती। ठीक है। और रही गवर्नमेंट के वादों की और जो उनकी एग्रीमेंट्स हैं, अभी ये तो साइन नहीं हुआ, जो इससे पहले साइन हो चुके हैं वो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट के हुकूमती वज़रा ने एग्रीमेंट किए, सारा कुछ किया कि हम आपकी ये भी शर्त मानते हैं, ये भी मानते हैं। सुबह उसको कलमदान दिया जाता है और शाम को उससे कलमदान वापस ले लिया नहीं, जाता है। अरशद भट्टी साहब, उस देख ठीक रहे हैं, ये है, बजट में कौन सा ऐसी तलवार गिराई गई है ताजर के ऊपर, देखें कौन सा इसमें ऐसा इसमें तूफान तलवार मैं गिराया आपको गया? बताता हूँ। ये दस्तावेजी मुआशरे की तरफ बजट हुकूमत, ये बजट अगर के बजट अंदर को देखा सर जाए तो दस्तावेजी मुआशरे की तरफ नहीं जा रहे हम। सर हम दस्तावेजी मुशेक के अंदर जा रहे हैं, जी, लेकिन उसके साथ हमने कत्ल नहीं करना अपने लोगों का, मौशी कत्ल नहीं करना उसका। आप मुझे बताएं, इस फाइनेंस बिल के बाद पूरे इस टनेवर में जून से लेके आज तक कोई एक डॉलर की, एक यूरो की, एक पाउंड की मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखा दें, ठीक है। नहीं, कोई आप रिजल्ट आउट लाहौर नहीं चैम्बर ऑफ हुआ। कॉमर्स को समझते हैं स्टेक होल्डर में शामिल है, ए कैटेगरी में या बी देखिए में जी, या सी यहां में? सबसे पहले जी जी जो एक अनार की फैलाई गई ना, जी जी कि सबसे पहले रजाक दाऊद साहब ने आके कहा जी, मैं इंपोर्टर को स्टेक होल्डर नहीं मानता, जी जी मैं फलां को स्टेक होल्डर नहीं मानता। जी जी भाई अगर आप स्टेक होल्डर मानते नहीं हो तो स्टेक होल्डर फिर बाहर से ले आओ। नहीं, चैम्बर तो अक्सर ठीक होते हैं है, वो, आप अब सही कह रहे बात हैं। जी यह जी है कि चैम्बर के अंदर या चैम्बर से बाहर जी जी जो बजट अनाउंस किया गया कि जी हमने 1500 लाइन, 1600 लाइन, हमने इसको जीरो रेटेड कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जो 3000 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपने एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, दूसरा जो है उसके ऊपर एनटीडीसी की एक टैरिफ लगता है, ठीक है जी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से, ठीक है फिर उसके ऊपर आपने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। ठीक आप है मुझे बताएं दुनिया के कौन से कानून में होता है कि मैं ये कप इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है ठीक है, और ये इंपोर्ट जब तक मेरे वेयर हाउस में नहीं पहुंचेगी मैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकूं, जी, ठीक ये है, जी जी मैं बिल्कुल सही कैसे है। इसकी रिटेल प्राइस फिक्स कर सकता वो हूं? डॉलर कल 160 में था, आज वो पहुंच रहा है तो वो 180 का हो गया, तो फिर ठीक है क्या करेगा जी, बंदा? मैं जी क्या जी करूंगा इसको? जी क्या जी मैंने 160 के ऊपर जो प्राइस इसके ऊपर प्रिंट कर नहीं, दी, ये तो यहां मैं भाई लाके साहब फिर मानता हूँ, मैं देखो दोबारा वो नया टैग जो लगाऊं? लोग पीछे जिन्होंने रसीद बना के देनी है ये वो कह रहे दुनिया हैं हमें में आप कहीं 20 नहीं कंटेनर होता, जाने हैं ये पाकिस्तान दुनिया में, वो में 500 कहीं नहीं जाएंगे। होता। जी आप कहीं भी चले जाए, मैंने यहां से एक्सपोर्ट भी की है जी और जी माशाल्लाह बड़े अच्छे वॉल्यूम से की है। मैंने यूएसए एक्सपोर्ट की, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमसे 19% वैट लिया जाता था इंपोर्ट के ऊपर, जी जी उसके अलावा कोई सेल टैक्स नहीं है। सेल टैक्स मुझे बताएं दुनिया में कहां पे सेल टैक्स एडवांस कलेक्शन होती है मासवाई पाकिस्तान के, और फिर जी भी गवर्नमेंट कहती है कि जी हम लुट गए। हम टैक्स देना चाहते मतलब सेल हैं, टैक्स अदा नहीं हम ना टैक्स करता, देना वो चाहते हैं, काट के भी आवाम पूरी से दुनिया भट्टी में साहब। जी टैक्स जी की जो स्लैब्स हैं वो नीचे आती हैं। जी जी यहां पे जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमें सरप्राइजेस मिलते हैं, वो स्लैब्स ऊपर जाते हैं। जी क्यों जी जी? यहां पे टैक्स पेयर की क्वांटिटी कम है। भाई ठीक हम है, जिम्मेदार हैं उसके लिए। आप उनका एहतसाब करें जो पच्चीस वही पच्चीस तो होता साल है ना से, भट्टी पचास साहब, पचास साल से जब सैलरीज हुकूमत ले कुछ रहे करना हैं, चाहती है यूं ठीक ताजर है, आप सरापा एहतजाज हो जाते हैं, हम वो नॉन फाइलर भी एक होते हैं और एक एक गोशवारा भी नहीं देते, वही खिलाफ हमारा एक जी अयूबी जी साहब कोई एक प्रूफ दे दे कि हम कभी भी स्ट्राइक की हो कि जी आप लोगों को टैक्स में रजिस्टर्ड ना करें। जी अंजुमन ताजर आपकी तो इतनी बड़ी तंजीम है, उनमें वो आपके 200 बंदे में 100 बंदा भी रजिस्टर नहीं होता, वो एहतजाज के लिए सब सर इकट्ठे देखें होते होता हैं। क्या है, जी मैं जी आपको बताता हूं, जब टैक्स पेयर स्ट्राइक करता है ना तो उसके साथ 100 बंदा इसलिए खड़ा होता है कि वो उस छतरी में छुपना चाहता है, जी जी ठीक है जी, जी जो जी पुलिस के भी मजे लेता है, जो हर जगह पे जाके अपने प्रोटोकॉल भी मांगता है, जी मैं जी उससे ज्यादा टैक्स देता हूं, लेकिन टैक्स पेयर की इज्जत नहीं है। तो किस ना आप क्या चाहते हैं, क्या इज्जत मिली आपको जैसे देखें बताएं? सड़कें आपको मिल रही हम हैं, ये वो चाहते हर चीज हैं, आपको मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है वो देखें हमें बताएं ना। आज तक जी जी मिला क्या है? नंबर वन, जी जी ये जो ड्राफ्ट मिला है, जी जी सबसे पहले तो होता यह है कि एक चीज आती है और फौरन सोशल मीडिया पे ऐसे डिलीवर होती है कि जी कानून पास हो गया, ये हो गया। मैंने इतफाक से 4 दिन पहले एक दोस्त से पूछा कि भाई ये क्या है, कहते जी ये जो हुकूमत ने एक मुसवदा पास किया। मैं कि भाई मुसवदा क्या होता है, तो कहता है डॉक्यूमेंट्स। जी मैंने कहा भाई ये कच्ची तहरीर को मुसवदा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कहते हैं, जी ठीक जी है, और ये गवर्नमेंट ने इसमें ऑप्शन रखी है कि जी आप अब हमारे साथ बैठें। ये कहते हैं ना जी हमने स्टेक होल्डर्स के साथ या ट्रेड बॉडीज के साथ बैठ के किया, फिर अगली लाइन को ऐड किए उन्होंने कि जी आप जी हमारे साथ बैठे, इसमें जो भी एडिशन करनी है डिलीशन करनी है हमारे साथ बैठे। जर भाई थोड़ा टाइम कम है, सा सर, आप आईटी के भी एक्सपर्ट हैं, हुकूमत कहती हम डॉक्यूमेंट करना चाहते इकॉनमी को, 20-22 लाख गोशवारे हो चुके हैं, क्या इतनी हमारा जो आयरिश सिस्टम है
वो इसकी हिम्मत है कुछ 40-50 लाख गोशवारे जमा कर सके। देखिए सर, अगर इजाज़त दें तो मैं इससे पहले सिर्फ एक दो बातें आपसे जी करना जी चाहूँगा। सबसे पहले जैसा राणा साहब ने कहा कि कुछ गलतियां FBR की तरफ से, फिर सर ने कहा कि हमारी बातें नहीं सुनी गई या जिन लोगों का स्टेक होल्डर का जिक्र हो रहा है वो हम नहीं है। ठीक है सर इसमें दो तीन बातें, तो पहले अगर इस डॉक्यूमेंट को हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये एज इट इज अगर अप्रूव होता है, तो जी इसमें जी कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह उसमें उन्होंने कहा कि हम आपका ऑडिट नहीं करेंगे अनलेस स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, यानी ठीक कि है। हम दोबारा वही 214D की तरफ जा रहे हैं जी, कंप्यूटर ने बैलेट किया, बोर्ड ने सिलेक्ट कर लिया। वो आज तक भी केस पेंडिंग में जी पड़े हैं, जी जी लिटिगेशन में जी ये फिर सारे। उन्होंने जी कहा कि जी आप जो हैं वो टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपसे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं मांगी जाएगी। जी देखिए जी जब तक आप इक्वालिटी बेस पे काम नहीं करेंगे ना, काम नहीं होगा। आपको सबको यकीन दिलाना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं रिटर्न दे दूं, हर बंदा रिटर्न देता हो, ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। जी जी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ये है कि मैं खुद इस चीज को अपने अंदर से मानूं कि मैंने जो टैक्स दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है, आप जब चाहें इसका ऑडिट कर लें। ऑर्डर कर ले। ठीक है और गवर्नमेंट को ये हमें एहसास दिलाना होगा, बल्कि ताजर बरादरी को ये एहसास दिलाना होगा कि हाँ, जो आपसे टैक्स लिया जा रहा है, आप अगर ईमानदारी से दोगे तो हम भी आपको दिलचस्प नहीं होने देंगे। देखिए ठीक है। जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और दोनों एक दूसरे की बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, ताजिर बरादरी को भी फायदा होगा। ताजिर बरादरी को ये फायदा होगा, उसे पता होगा हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है, वो टैक्स पूरा देने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट जी जी को ये फायदा होगा कि जो अभी सोचे ये सोची जा रही है कि टैक्स नहीं देना, कम से कम उसको खत्म नहीं कर सकते तो उसको कम किया जा सकता है उस सोच को, बिल्कुल सही है। जिसमें वो टैक्स एडवाइजर्स जो एक बड़े पैमाने पे लोगों को सर्व कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे मुशावरत करें कि क्या ये कामयाब हो सकती है चीज, ताकि वो पैसा जो सिर्फ इसको बनाने के लिए नए बंदों को एंगेज करने पे जाया हो रहा है, वो उन कम्युनिटीज पे सर्व हो। वो कम्युनिटीज वो हैं जो 30-30 साल, 40-40 साल से लोगों को ये सर्व कर रही हैं, जिन्होंने टैक्स के निजाम को बदलते हुए और रिबर्ट होते हुए देखा है। ठीक है उनको लाया जाए ताकि इसमें ऐसी बेहतरी लाई जाए कि ताजर स्ट्राइक ना करें और गवर्नमेंट को पीछे पीछे भागना ना पड़े। हम भी दूसरे मुल्कों की तरह कलेक्टेड टैक्स को अपने पास रखें, हमें पता हो गया यार इतना टैक्स इस साल आना ही आना है। ताजर बरादरी को पता हो गया अगर इस साल पूरा नहीं हो सका तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, हम इसको पूरा करेंगे। तो जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये पास करें और ये ना जी करें। साहब, ये तो हमने ये जून में देखा है, कोई छापे नहीं पड़े, सर ना कोई एडवांस टैक्स लिया गया लोगों सर से, लेकिन हुकूमत उस तरफ जा रही है, लेकिन ताजरों को उस तरफ आना चाहिए ना। सर देखिए मैं फिर आपसे वही अर्ज कर जी रहा हूँ कि जी ताजरों को बिल्कुल उस तरफ आना चाहिए, जिस तरह आज भट्टी साहब ने कहा कि किसी बंदे का नाम बताएं, जी जी अगर यहाँ पर लिखा जाए कि फलानी 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 ट्रेड यूनियन के सरबराह हमारे साथ मिले और ये मुआहदे दस्तखत हुए, तो इस पर सर क्या कोई जज भी नहीं बोल सकेगा ना। जी जी एग्जैक्टली यहाँ पर इस चीज को क्लियर होना चाहिए। अगर मैं ताजर बरादरी से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो क्लियर हो, तो यहाँ ताजर बरादरी भी उम्मीद करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लियर हो। सर देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि करप्ट ताजर हैं। देखिए जब आप ताजर को चोर कहते हैं ना, किसी अच्छे भले बंदे को भी चोर कहेंगे वो गाली निकाल देगा आगे से। जी जी बिल्कुल सही सर बात उन्हें है। चोर कहना छोड़ना होगा, उनको समझाना होगा कि इस टैक्स से हमारे मुल्क को फायदा क्या है, हमारी इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी। देखें जब इकोनॉमी डेवलप करेगी, जो हमारे सरबराहान बैठेंगे तो 5 साल बाद चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही एक्चुअल बात, इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो ताजे बरादरी पे ही बिल्कुल आएगा, इसके बेहतर होने का। ठीक। अरशद भट्टी साहब, जिस तरह 11 लाख हमारे गोशवारे थे पहले, 35,000 लोग सिर्फ उसमें से टैक्स देते थे, ईमानदार से बताएं, जिसमें 35,000 टैक्स पेयर हैं, जितनी सहूलतें आपको हुकूमत ने दी हुई हैं वो 35,000 लोगों को पैसों से दी हुई है ना। अगर वही 11 लाख में से 1 लाख या 2 लाख बंदे हो जाएं जो टैक्स देने वाले, तो ये सहूलियात बेहतर नहीं हो सकती। अगर आप उसको सहूलत देंगे, हुकूमत सहूलत तब देगी जब उसके पास रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, तो वो बेहतर उनको सहूलियात दे सकेगी। अब मैं इस पे थोड़ा सा यूबी साहब कहूँगा, जुबैरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ताजरों के दरमियान एक जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है या एक फ़ज़ा फैली हुई है बेअतमादी की, जी जी उसको ख़त्म करे। ठीक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये आज से कोई 20 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। कानून के मुताबिक जो शिपमेंट इंपोर्ट होती है बिफोर 1 जुलाई, जी जी यानी कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना है, उसका IGM पहले लॉन्च हो गया हुआ है, EGM सॉरी, जहां से भी वो शिपमेंट आ रही है। डेफिनेटली वो एलसी मई में खोली गई है, अप्रैल में खोली गई है, मार्च में खोली गई है, मेच्योरिटी के ऊपर वो शिपमेंट आ गई। यहां पे इस कदर ब्लैकमेलिंग है, वो 400 कंटेनर रोक लिया गया। मैंने खुद कंप्लेंट की चेयरमैन साहब से,
चेयरमैन एफबीआई साहब ने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, आज भी 300 कंटेनर बोर्ड पे खड़ा हुआ है। ये होती है बेअतमादी, ठीक है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो ये कहते हैं कि हमने ट्रेड यूनियन से, ट्रेड बॉडी से मुशावरत के बाद ये मुसवदा तैयार किया, जो इस मुल्क की इस वक्त 3 से 4 जो नुमाइंदा जमाते हैं, जो इस वक्त प्रोमिनेंट हैं, उनमें से किसी एक को नहीं बुलाया गया। आप खान साहब वापस आए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आके उन्होंने हमारे पैटर्न चीफ को, इरफान इकबाल साहब को बुलाया, ठीक है जी, उनके साथ मीटिंग भी ये कोई 3 दिन पहले। अब उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम कुछ करेंगे, हमने उसके बरक्स ये किया कि हमने पिछले 3 दिन से जी जी यहाँ पे जितनी भी ट्रेड बॉडीज हैं उनको एतमाद में लेना शुरू किया है कि क्या आप लोग एग्री हैं कि हम मिल बैठ के इस मुसवदे के ऊपर डिस्कस करें, और इसमें से जो चीजें नुकसानदेह हैं या इसमें और ऐड होने वाली हैं, वो हम एक मुसवदा तैयार करके गवर्नमेंट को पास चलते हैं, बजाय इसके कि कल को फिर कोई उठे वो कहे जी मुझे नहीं बुलाया गया। जी जी। हम इस पैटर्न पे अब जा रहे हैं। जी जी। ठीक है जी। हमें एक छोटा सा सवाल है, ये जो गवर्नमेंट हर साल स्कीम देती है, पहले 12 लाख पे थी, अब कम करके 6 लाख पे कर दी गई या 4 लाख पे, कि जिसका इनकम 6 लाख से कम होगा जी जी वो रिवर्स आ जाती है मामला, कल तजुर्बा जी जी। मुझे बताएं क्या गवर्नमेंट ने उनके बट साहब आपका मौका आ गया हमारे पास राणा साहब, जिस तरह बट साहब ने इशारा किया, क्या हम तजर्बात में रहेंगे या अपनी सिम्मत को दुरुस्त कर पाएंगे, क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है बट साहब ने जो कहा था जी, हम इसको देख रहे हैं, इसका तजिया कर रहे हैं, हम बैठ के ये बहुत अच्छी, गवर्नमेंट भी तो यही कह रही है ना कि हमने ये ड्राफ्ट दे दिया, इसको बैठे इस पर डिस्कस करें, जहाँ पे मसले हैं हमसे बैठ के बात करें। जी जी। लेकिन एक बात जो मुसलमा हकीकत है वो ये है कि अगर एक शख्स जो है जो दुकानदार है वो 50 रुपए रोज का टैक्स नहीं देता जी जी, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? जी जी, सही जो नई स्कीम आई है इसमें 50 रुपए रोज के सिगरेट हम 2 पी लेते हैं, 2 डब्बियां पी लेते हैं, पान खा के हम थूक देते हैं जी जी, कोई शक नहीं, हमने इस मुल्क के लिए 50 रुपए रोज के भी हमने नहीं देने जी जी, कौन देगा? जोहर साहब आपको बहुत शुक्रिया, अर्शद भट्टी साहब आपको बहुत शुक्रिया, राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, अगर इस स्कीमों को कामयाब करना है तो जो आपके 16-16 ग्रेड के ऑफिसर इंस्पेक्टर दफ्तरों में बैठे हों उनको निकालें, लाइव सर्वे करवाएं, और जो मार्केट के सदर हैं उनके ज़रिए उन दुकानदारों को शिनाख्त कार्ड लें, बीमा साइन लें, और वो सदर के ज़रिए क्राइटेरिया मुंतखब करें, छोटी दुकान कौन सी है, बड़ी कौन सी है, कौन ज़्यादा टैक्स देने वाला है, कौन कम देने वाला है। मुझे उम्मीद है जो आपका टारगेट है 5,550 अरब रुपये का, इससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।